चलिए इसमें बात करते हैं साइंस, जनरल साइंस से संबंधित 100 क्वेश्चन के करीब। ठीक है, देखें, पहला है, सबसे बड़ी आँख किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो हिरण की होती है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का उत्सर्जन सर्वाधिक योगदान किस देश का है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, USA का है। अगला है, किस उद्योग में अभ्य कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो विद्युत में। अगला है, विद्युत फेस का आविष्कार किसने किया था? तो हेनरी शीले ने किया था। अगला है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। अगला है हमारा छठवां, दाब बढ़ाने का जल बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। अगला है हमारा सातवां, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का तीसरा नियम है। तांबा शत्रु तत्व है तो गंधक। उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का विकिरण सबसे कम होता है। अगला है हमारा दसवां, रेडियो एक्टिव मृदा की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरल ने। अगला है, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 के कोण पर झुके हैं, तो इसके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो 5। अगला है, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह का बर्ताव करता है? एक अवतलन का। अगला है हमारा, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो विशिष्ट गुरुत्व की। अगला है, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 5 मीटर सेकंड की चाल में से जा रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो 8 मीटर सेकंड की। अगला है हमारा, कारों ट्रकों बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो उत्तल दर्पण। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं उपधातु। अगला है, वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफेस्टस। अगला है, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो इस्पात में। अगला है, एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाएं फैलाए खड़ा है, एकाएक वह बाएं सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग बढ़ जाता है। अगला है, 20, चंद्रमा पर बम विस्फोटक होता है तो इसकी आवाज पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। अगला है, 21, चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण है पलायन वेग। अगला है, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। अगला है, एक लकड़ी लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। अगला है, 24, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम चुनते हैं, यह संभव है अनुनाद के कारण। अगला हमारा 25, वेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? जल के प्रवाह की गति। अगला 26, चौराहों पर पानी के बारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। अगला है 27, यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी सिकुड़ कर अपनी वर्तमान त्रिज्या की आधी रह जाए तो दिन होगा 12 घंटे का। 28, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। अगला है 29, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग किया करना चाहिए? स्प्रिंग घड़ी। 30, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण रहेगा 2% घट जाएगा। अगला 31, दाब का मात्रक होता है पास्कल। अगला हमारा, खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए तो इस उच्च विशिष्ट ऊष्मा का निम्न चालकता का। अगला हमारा 33, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। अगला है, केल्विन तापमान में बर्फ का गलनांक होता है -272 डिग्री केल्विन। अगला है 35, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो ग्रीक से। अगली है, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो रेडियो एक्टिव धर्मिता। अगला है, किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती? तो बैंगनी की। अगला है 38, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। अगला है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग।
अगला है सेकंड पेंडुलम का आवर्त काल क्या होता है 2 सेकंड। अगला है भारतीय विज्ञान संस्थान है बेंगलुरु में। अगला है पराध्वनिक विमानों की चाल होती है ध्वनि की चाल से अधिक। अगला है 43 भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। अगला है निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होती तो मिट्टी का तेल। अगला है हमारा 44 चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है तो हिप्पो केटस की। अगला है कार में रेडिएटर का क्या कार होता है तो इंजन को ठंडा कर रखना। अगला है मनुष्य के शरीर के ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अगला है दूर दृष्टि से दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। अगला है हमारा किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो लेंस होता है उत्तल। 49 से यदि किसी लेंस में अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वह अवतल होता है। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। अगला है हमारा 51 निम्नलिखित में से कण सा एक आवेश रहित कण है तो न्यूट्रॉन। अगला है पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है शारीरिकी। अगला है निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है बैंगनी का। अगला है 54 स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4:3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या है तो 4 मीटर। अगला है 55 लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। अगला 56 है रडार की कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित होती है तो रेडियो तरंगों का परावर्तन। अगला है 57 न्यूटन की गति के नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है तो द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। अगला है किस पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है तो जड़त्व। अगला है लेसर निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है तो अगला है विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन। अगला है 60 दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। अगला है 61 बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलना कट जाता है। अगला है मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो केवल संवहन। अगला 63 जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाले निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है तो है इसका आंसर है प्रोटीनों का एमिनो अम्ल में विघटन। अगला 64 एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है तो इसमें हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंगें। अगला है मैथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है बृहस्पति। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन। अगला 67 उन देशों में जहाँ लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है और लोग पीड़ित रहते हैं बेरी बेरी से बेरी बेरी रूप से। अगला है 68 मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किस के एकत्रित होने से थकान होती है तो लैक्टिक अम्ल। अगला है 69 प्रकाश वर्ष होता है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी। 70 समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग लिया जाता है तो फेदोमीटर। 71 कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है तो सिलिकन की। अगला 72 है वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलकार दर्पण पर पड़ती है वह कहलाती है मुख अक्ष। अगला 73 अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी तो अनंत। 74 है वह धातु जो अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है जिंक कहलाती है। अगला 75 जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था तो लेमार्क एंड टेवीरेनस। अगला है 76 कार्य का मात्रक है जूल प्रकाश वर्ष की इकाई है दूरी। 78 एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है तत्व। 79 है दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में सहयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है यौगिक। 80 है किसी ध्वनि स्रोत से आवृत्ति में कौन होने वाला वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं डॉपलर प्रभाव। 81 कोई कड़का 1 सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को कहते हैं आवृत्ति। 82 वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर सेकंड होती है यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी
332 मीटर ही रहेगी, मीटर सेकंड में रहेगी। अगला है 83, निम्नलिखित में से कौन सा समय का मात्रक नहीं है? प्रकाश, पारसेक इकाई है दूरी की। 85 है, निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? तो सीसा। अगला है, निम्नलिखित में से किस अधातु में धातु ही चमक पाई जाती है? तो ग्रेफाइड, आयोडीन में। अगला है 87, एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर अणु है, यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी। 88 है, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाश्ते हैं पृष्ठ तनाव के कारण। अगला है 89, पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस। 90, यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग समान होंगे। 91 है, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाए तो उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। अगला है 92, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? तो अमोनिया। अगला है, यंग त्यास्तता गुणांक का एसआई का मात्रक है न्यूटन मीटर टू। अगला है, कैंडला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। अगला है, जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। अगला है 96, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाते हैं जीव विज्ञान। अगला है 97, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सेवाल का। अगला है, जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? ऊर्जा की। अगला है, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? 1971 में। लास्ट है हमारा 100, चमगादड़ अंधेरों में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ पराश्रव्य तरंगों में तरंगें उत्पन्न करते हैं। चलिए, इस लेक्चर में हमने 100 क्वेश्चन देख लिया।